दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके, और इस रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब्ड हो जाएं, और बेल आइकन आएगी उसे भी दबा देना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं विशाल अस्त्र का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग है। थंबनेल देख के समझ के होंगे आज की वीडियो किस बारे में है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होता है कि आप यूट्यूब की वीडियो को रिपीट मोड पे, जिसे लूप मोड भी कहते हैं, उस पर कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप वो चीज़ कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो हमने थंबनेल में दिखाया है वही आउटपुट आपको मिलेगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों, बिना किसी बात के हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप यूट्यूब की किसी भी वीडियो को कर सकते हैं लूप मोड में, और उस या फिर सॉन्ग हो गया या फिर कुछ भी हो गया दोस्तों, आप लूप मोड में उसे सुनना चाहते हैं। जैसे कि कोई सॉन्ग हो गया, नया सॉन्ग हो गया, तो आप ये काम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, मोबाइल मोड पे, अगर आपको डेस्कटॉप मोड पे चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आज मैं मोबाइल मोड पे आपको बता देता हूँ। आपको इसके लिए लाइब्रेरी पे जाना है दोस्तों। आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट पे चला जाना है। ओके दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, प्लेलिस्ट में कोई भी चीज़ आपको ऐड कर देनी है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो भी आपकी चीज़ आपने सुनी हुई है। ये रीसेंट चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रही हैं। आप दोस्तों कुछ भी यहाँ पे नेक्स्ट करके कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्रिएट कर लीजिएगा एक लाइब्रेरी, सॉरी प्लेलिस्ट। ओके दोस्तों, जैसे कि मैं एक कर देता हूँ, टेस्ट 1 2 3। ओके दोस्तों, इसे प्राइवेट ही रखना है दोस्तों, क्रिएट कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, क्रिएट कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ ये टेस्ट 1 2 3 बन चुकी है। यहाँ पे वीडियोस कोई भी है नहीं है। ओके दोस्तों, एडिट कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप एडिट करना चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई वीडियो ऐड करनी है तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं ईजिली दोस्तों। बहुत अच्छी है क्योंकि ये ट्रिक। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है दोस्तों। जैसे कि न्यू प्लेलिस्ट पे गए, एक और बार बता देता हूँ, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया कोई भी वीडियो, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाना है आपको, यहाँ पे कोई भी नाम दे देना है। जैसे मैंने टेस्ट 1 2 3 दिया था, ऐसे ही आप यहाँ पे दे सकते हैं 1 2 3 4। ओके दोस्तों, क्रिएट कर देना है। अब क्या हुआ दोस्तों, ये प्लेलिस्ट बन जाएगी और वो वीडियो इसमें ऐड हो जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं ये बन चुकी है। ओके दोस्तों, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये बड़ा वाला बटन देख रहे हैं रेड कलर का, इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी चालू। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डाउन एरो है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पे देखिए दो आइकन आ गए, इस पहले वाले आइकन पे आपको कर देना है क्लिक। ये दोस्तों लूप मोड के लिए होता है। अब ये आपकी प्लेलिस्ट को लूप मोड पे चलाएगा, आपकी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद इसे वापस से कर देगा चालू। ओके दोस्तों, तो ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। ओके दोस्तों, अगर आप पर्टिकुलर इसके अलावा चाहते हैं कि 4-5 गाने बजें फिर उनके बाद दोबारा वो रिपीट हो जाए, तो इस प्लेलिस्ट में आप 4-5 गाने ऐड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा तरीका है, यही इसमें सिर्फ एकमात्र तरीका है जिससे आप लूप मोड पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा किस तरीके से ये ट्रिक को यूज़ करना है। अगर हमारी ट्रिक से कुछ भी आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।